स्वागत आप सभी को ज्ञापन एकेडमी के इस नए लेटेस्ट और बहुत ही यूजफुल वीडियो में। जैसे कि आप सभी के बीच फिजिक्स का प्रत्येक लेसन से जितना भी ऑब्जेक्टिव बन जाने वाला था पूरा का पूरा सीरीज अब शुरू हो चुका है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने केमिस्ट्री का जितना भी चैप्टर है पूरे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करा दिया। आज के इस वीडियो में हम लोग मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से जितना भी ऑब्जेक्टिव बन जाने वाला है पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव वन लाइनर आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो देर किस बात की, वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक और चैनल पर नए हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि वीडियो अपलोड होने के बाद सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए बिना देर के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो यहां से आपका पूरा लेसन टू से जितना भी वन लाइनर ऑब्जेक्टिव बन जाने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, मानव नेत्र में, ठीक है ना। तो उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है जरा कमेंट करके बताइए। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है। अच्छा एक बात बताइए, थोड़ा देर के लिए सोचिए कि जो हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ाए हैं क्या अगर आप उसको पढ़े हैं तो इसका आंसर नहीं पता था? अगर पता था तो बिल्कुल आप आंसर दिए होंगे, मैं पूरा का पूरा उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मानव नेत्र में जो हमारा जो आँख है ना वो हमारे आँखों के अंदर उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं दूसरा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसकी क्रिया के कारण होता है? तो भाई सिलियरी मसल्स यानी पश्चिमावी पेशिया के कारण होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न जो है, आँख में प्रवेश होने वाले प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है? तो भाई आयरिस। अच्छा एक बात बताइए, हमें कमेंट करके बताइए तो आयरिस कितने प्रकार के होते हैं? भाई आयरिस अपने रंगों में तीन प्रकार के होते हैं, ब्लू, ठीक है ना, ब्लैक और ब्राउन, ठीक है ना। ये तीन कलर में होता है। सोचिए जिसकी आँखें नीली होती है कितनी खूबसूरत होती है भाई, ज़रा सोचिए, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब है कि आँख का कौन सा भाग है जो तीन रंगों में पाया जाता है, वो है परितारिका आयरिस होता है, ठीक है ना। आयरिस आपसे कभी भी ऑब्जेक्टिव में इस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है और आपको आंसर देना है, ठीक है ना। मैं सच कह रहा हूँ ना कि फिजिक्स हो, इससे पहले कि मैंने जो केमिस्ट्री करवा दिया फिजिक्स हो रहा है, इसके बाद बायोलॉजी होगा, पूरा का पूरा जो है ना वन लाइनर ऑब्जेक्टिव जितना भी चैप्टर से बन जाने वाला ना पूरा चैप्टर वाइज मैं ऑब्जेक्टिव आपके बीच शेयर कर रहा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ ना कि एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटने वाला है पूरा का पूरा। अच्छा इसके बाद तो लाइव भी होने वाला है ना, पूरा का पूरा मजा आने वाला है, ठीक है। यहाँ देखेंगे अगला प्रश्न, एक स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। देखिए आपसे इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो आप बताएंगे 25 cm। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो -25 cm को सिलेक्ट कर लेंगे या 25 m को सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब 25 देखते ही लगा देंगे, बट ऐसा नहीं करना है, 25 cm। अच्छा 25 cm क्यों रखा गया, क्योंकि आप 25 cm पर अखबार ले लीजिए या कोई मैगजीन बुक वगैरह कुछ भी ले लीजिए और अपने आँखों के सामने रख करके देखिए, मतलब 25 cm तो बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है, मतलब देखकर पढ़ने में, बट 25 cm के थोड़ा सा करीब लाने की कोशिश करेंगे ना तो मैं सच कह रहा हूँ ना वो पढ़ने में थोड़ी सी झिलमिलाहट महसूस होगी, अनकंफर्टेबल फील होगा और आप उसे अच्छे ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे, जिसके कारण इसको स्पष्ट दर्शन की यानी कि जो स्पष्ट दिखाई देने की जो न्यूनतम दूरी रखी गई है वो 25 cm रखी गई है। अगला प्रश्न, जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली बन जाती है, यानी जो हमारा आँख का जो पुतली है, पुतली कौन होता है भाई? देखिए जो परितारिका के बीचों बीच जो छोटा बिंदु आकार दिखाई देता है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुपिल कहते हैं, यानी कि पुतली कहते हैं। तो क्या होता है, अधिक प्रकाश पड़ने पर, ठीक है ना, पुतली बन जाती है छोटा, और इसके साथ साथ जो आयरिस है ना, आयरिस वो भी सिकुड़ जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि पुतली हो या इसके साथ साथ आयरिस हो, ये भी क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, सिकुड़ता है, ठीक है ना, और कम प्रकाश पड़ने पर फैल जाता है, यानी पुतली भी थोड़ी सी बड़ा हो जाएगा और आयरिस भी बड़ा हो जाएगा, यानी दोनों क्या करता है। अच्छा सोचिए यहाँ से अगर प्रश्न पूछ दे कि प्रकाश को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, तो आप बताएंगे आयरिस करता है, परितारिका करता है, ठीक है ना। जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है क्या चीज़, दूरदृष्टि दोष, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? तो भाई उत्तल लेंस को, ठीक है ना। अब आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, दृश्य प्रकाश में किस वर्ग का तरंग अधिकतम होता है? तो भाई लाल का, ठीक है। अच्छा आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन
प्राथमिक वर्ण है, तो प्राथमिक वर्ण आपको ट्रिक के माध्यम से मैं बताया था कि प्राथमिक वर्ण पीनाला, पीनाला सुनिए ध्यान से, पीनाला, पीला, नीला और लाल। अब ना से नीला ही समझ लेना, थोड़ा देर के लिए ना से नारंगी मत समझना। तो पीनाला ये ट्रिक है जिसे हम पूरे प्राथमिक वर्ण को आसानी से याद कर सकते हैं और हमेशा के लिए दिमाग में फिट कर सकते हैं, बैठा सकते हैं। मतलब इसी प्राथमिक वर्ण से पूरा का पूरा, समझिएगा, पूरा का पूरा दुनिया का हर रंग तैयार किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रश्न क्या था भाई, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग सबसे अधिक होता है, तो भाई लाल का होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश का विश्लेषण और परावर्तन करने के लिए उपयोगी होता है क्या चीज़, प्रिज्म। अच्छा, प्रिज्म की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, प्रकाश का विश्लेषण कर सकते हैं, उसका मतलब जो है ना, मान के चलिए कि परावर्तन की घटना के दौरान, सॉरी यहाँ पर अपवर्तन हो जाएगा, अपवर्तन की घटना के दौरान क्या हो सकता है, हम वर्णपट पर, वर्णपट किसे कहते हैं भाई, जिस पट्टी पर वर्ण को उतारा जाए, वर्ण मतलब रंग होता है, मतलब उस रंग को जिस पट्टी पर उतारा जाए उसे हम वर्णपट कहते हैं। तो हम लोग प्रकाश को एनालिसिस कर सकते हैं, मान के चलिए श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है, तो उसको जानने के लिए हम किस तकनीक का सहायता लेंगे, तो भाई हम प्रिज्म लाएंगे जो 3 आयतकार और 2 त्रिभुजाकार पट्टी से बना हुआ, ये एक ऐसा पदार्थ होता है जो सूर्य से आने वाली श्वेत प्रकाश की किरणों को 7 रंगों में विभक्त कर देती है, और हमें पता चल जाता है ये विश्लेषण करके कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग मौजूद होते हैं, ठीक है ना। तो ये बातें हैं जो आपको दिमाग में फिट कर लेनी चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, जानवरों का आँख किस कारण चमकता है, तो भाई टिपिडम लुसिडम के कारण होता है, ठीक है ना। अब आइए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग है, तो मैंने बताया कि नीला है, ठीक है ना। प्राथमिक रंग में नीला ही सिर्फ नहीं है, पीला भी है, लाल भी है, ठीक है ना, लेकिन सबसे पहले प्राथमिक रंग नीला को ही रखा गया है, ठीक है ना, और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाला लाल है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग रक्ताभ क्यों होता है, तो भाई प्रकाश के, ठीक है ना, परिकीर्णन के कारण, यानी स्केटरिंग ऑफ लाइट के कारण, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त होने की घटना क्या कहलाती है, तो भाई विक्षेपण कहलाती है। विक्षेपण का मतलब ही होता है विभक्त होना, यानी कि छितराना, ठीक है ना। तो 7 रंगों में विभक्त होने की घटना क्या कहती है, वर्ण का विक्षेपण कहलाती है, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देखेंगे आपकी स्क्रीन पर, ये है कि तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। वायुमंडल में होता क्या है कि जो छोटे छोटे डस्ट होते हैं ना, अब एक समय के साथ जब बारिश होती है, अच्छा लास्ट सुनिएगा, एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, देखिए इंद्रधनुष का बनना या तारों का टिमटिमाना, ये सब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। सोचिए कि वायुमंडल में जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, उससे जब प्रकाश की किरणें टकरा करके, और जिसका सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है, जैसे कि मान के चलिए कि नीला का, तो नीला क्या है, वापस लौटा दिया जाता है, जिसके कारण, ठीक है ना, अच्छा आकाश नीला दिखाई देता है, तो ये भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हो सकता है। दूसरा बात कि शाम के समय सूर्य रक्ताभ दिखाई देता है, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है, जिसे वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण भी उसे भी लौटा दिया जाता है, जिसे लाल रंग हमें रक्ताभ दिखाई देता है। और मान के चलिए कि तारों का टिमटिमाने के कारण क्या है, तो ये भी वायुमंडलीय अपवर्तन है, ठीक है ना। तो तारा टिमटिमाते क्यों नज़र आते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होता है ना कि प्रकाश का बार बार अपवर्तन होता है, ठीक है ना, जिसके कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो तारों का टिमटिमाना या आकाश का नीला रंग दिखाई देगा, या सूर्य का रक्ताप दिखाई देना, ये सब क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होते हैं, ठीक है ना। तो प्रश्न तीनों में कोई हो, वायुमंडलीय अपवर्तन आंसर होगा। नेत्र की फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तु को फोकसित करने के लिए क्षमता कहलाती है क्या चीज़, समंजन क्षमता कहलाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो भाई दृष्टिपटल के सामने बनता है, ठीक है ना। नेत्र की समंजन क्षमता कब घट जाती है, वृद्धावस्था में, यानी जब आप बूढ़ा हो जाते हैं ना, तो नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। उसके बाद से आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो भाई प्रकाश के प्रकीर्णन या वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण भी होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पश्चिमावी पेशिया द्वारा, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। और ये इस समझिए तो चैप्टर का सबसे अंतिम प्रश्न है, इसके बाद से कोई प्रश्न नहीं है। अब आपको नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करना है, इससे पहले कि आप 23 नंबर प्रश्न को समझ लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वो क्या है, तो भाई दृष्टि पटल कहलाता है या रेटिना कहलाता है। बातें आपको समझ में आ गई, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव और यूजफुल लगा होगा, तो क्यों ना दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि दोस्त भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।